हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी मॉडल सेट का दूसरा क्लास अभी आप देखने जा रहे हैं। पहला क्लास में हमने 12 नंबर तक क्वेश्चन देखा था, उसके बाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है। अभी अब सबको आप आराम से सिर्फ देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक e का पावर x dx। e का पावर x का इंटीग्रल होता है e का पावर x। e का पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e का पावर x। तो e का पावर x लिख दिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक लिख दिया। पहले बैठाएंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा e का पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e का पावर 0। e का पावर 1 का मतलब e हुआ, e का पावर 0 का मान 1 हुआ, e-1 इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया, है ना? ये होगा ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर के ऑप्शन में है, यानी e का पावर x का अगर इंटीग्रेट करना है, जान लीजिए e का पावर x का dc e का पावर x होता है, e का पावर x का इंटीग्रल भी e का पावर x ही होगा। अब आइए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 14 नंबर में, कहता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? पहला बात, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है आपका dy/dx + py = q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा e का पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। बोलो e का पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। इस फॉर्मूला के सहायता से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e का पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। तो सवाल है dy/dx माइनस x/(1 - x²) / y बराबर इतना। तो सोचो ये हो गया dy/dx + py। p के जगह ये टोटल होगा dy/dx + py = q। ये p का काम करेगा और ये q का काम करेगा। तो ये p होगा और ये q होगा। अगर हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका? e का पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। यस या नो? मतलब e का पावर इंटीग्रल ऑफ -x/(1 - x²) dx। बोलिए, है ना? इसी को सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करिए, अगर हमको इंटीग्रेट करना है -x/(1 - x²) को, तो सोचो कि 1 का डीसी क्या होगा? 0। x² का डीसी क्या होगा? 2x। -x² का डीसी क्या होगा? -2x। ऊपर में अकेला -x है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हमने लिखा e का पावर, जैसे 2 से भागा कर दिया, 2 से गुना कर दिया, -2x/(1 - x²) dx। ध्यान दीजिएगा, e का पावर हो गया -2x/(1 - x²) dx। अब क्या खासियत है? बोलिए 1 का डीसी 0, -x² का डीसी -2x। मतलब नीचे फंक्शन होगा, ऊपर उसका डीसी होगा। बोलिए अब ये नीचे फंक्शन हो गया, ऊपर उसका डीसी हो गया। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, क्या कंसेप्ट पढ़ा? अगर कभी नीचे फंक्शन होगा fx, ऊपर उसका डीसी होगा f'x। तो f'x/dx, f'x/fx/dx बराबर होता है log mod fx। नीचे फंक्शन, ऊपर डीसी, तो डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो 1 का डीसी 0, -x² का डीसी -2x। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डीसी हो गया। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो e का पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं log 1 - x² या log mod 1 - x². बोलो चलेगा? चलेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? e का पावर, ये 1/2 उधर चला जाएगा पावर में, तो पावर में जाएगा 1 - x² का पावर हो जाएगा 1/2। अब बताइए 1/2 अगर पावर रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? अगर पावर 1/2 रहता है, थोड़ा उधर से लिखते हैं, देखिए ये हो गया, है ना? इसको यहां से लिख देते हैं, यहां से लिख दिया, हो जाएगा e का पावर 1/2, नीचे फंक्शन, ऊपर डीसी हो गया। तो ये आपका हो गया log mod 1 - x², चलेगा? अब पावर को ऊपर लाओ तो e का पावर हो जाएगा log 1 - x² का पावर हो गया 1/2। तो पावर 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं। तो e का पावर हो गया log√1 - x², e का पावर log√1 - x² बराबर हो जाएगा √1 - x², यस या नो? क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी रहेगा e का पावर log fx। बोलिए e का पावर log fx, उसका मान क्या होता है? fx। समझ गए बात को?
ई का पावर लॉग रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किस ऑप्शन में है, आप लिख लीजिए। अब 15 नंबर, इंटीग्रेट करना एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को, इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपका एक्स बाहर हो जाएगा और डी वाई इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ वाई बाहर हो जाएगा और डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ वाई है डी वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो एक्स तो बाहर हो जाएगा इसके लिए। अब एक्स और डी वाई का इंटीग्रल क्या होगा वाई, अब वाई डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब एक्स वाई और वाई एक्स जुट जाएगा तो हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस सम कांस्टेंट, टू एक्स वाई प्लस सम कांस्टेंट, समझ गए बात को, ये हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस सम कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है टू एक्स वाई प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अब आ जाइए 16 नंबर का सवाल, इसमें कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx बराबर x by y, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो dy dx बराबर अगर x बटे y है तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल करना होगा, क्या करना होगा वेरिएबल सेपरेबल, तो y वाले को इधर लाओ x वाले को इधर लाओ, वेरिएबल सेपरेबल अगर हम करते हैं y वाले को इधर लाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे y dy इंटीग्रल ऑफ बराबर इंटीग्रल ऑफ x dx, ठीक है। अब जहां y dy है तो y dy का इंटीग्रल क्या होगा, y dy का इंटीग्रल होगा y स्क्वायर बाय 2 और बराबर x dx का इंटीग्रल क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट, और ये है आराम से हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत होगा है? अब ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई कर देते हैं, कैसे सिंपलीफाई करें तो दो इधर गुना कर देते हैं दो इधर गुना कर देते हैं तो 2y स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस हो गया 2c, 2c भी तो कांस्टेंट ही होगा, 2c आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा काम करेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया y dy, इतना ही छोड़ दीजिए आप, इसको लिखने का जरूरत नहीं, अमन होगा तो इसको इससे गुणा कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये भी आपका आंसर। यानी कभी भी dy dx बराबर x by y होगा, कोई भी फंक्शन dy dx बराबर x और y दोनों का फंक्शन होगा, x वाले को एक तरफ कर देंगे और y वाले को एक तरफ कर देंगे, फिर जाके हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको उसका आंसर आ जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत का बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो y dy, इसको उठा के इधर लाएंगे x dx, अब y का पावर एक है तो उसका इंटीग्रल होगा y स्क्वायर बाय 2, x का पावर एक है तो उसका इंटीग्रल होगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देखिए इसको आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस साइड में जीरो है, इस साइड में एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, प्लस सी सम कांस्टेंट, बोलिए लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को उठा के इधर लाते हैं, माइनस सी हो गया, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, 2 हो गया, 2 को उठा के इधर लाइए माइनस 2 सी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के कॉन्स्टेंट, माइनस 2 सी तो कॉन्स्टेंट ही हुआ तो उसको हम के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, हो गया आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी में। अब आ जाइए, कहता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ dy dx प्लस 1 बाय dy बाय dx बराबर है m, कहता है इसका डिग्री निकालना है, क्या निकालना है डिग्री, देखिए डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बोलो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम बोलेंगे डिग्री कहेंगे, ठीक है। अब ये देखो dy dx है, इसका पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, यहाँ भी dy dx है इसका मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, पावर क्या है 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 1। अब आ जाइए एक सवाल है, 0 से पाई बाय 2 तक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 जब x का मान -1 से 1 के बीच में हो,
तो हमको 0 से पाई बाय 2 तक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान हो गया पाई बाय 2। बोलिए मान क्या हो गया? पाई बाय 2, यानी आपको पाई बाय 2 को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। इतना बराबर हम क्या लिखेंगे? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक ये लिमिट हो गया, अंदर में हम क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 dx। इसका मतलब पाई बाय 2 लिखोगे ना, तो पाई बाय 2 आपका कांस्टेंट की तरह बाहर हो गया, dx का इंटीग्रल क्या हो गया? x। अब x कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। ओके, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। अब बैठाओगे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट बैठाओगे पाई बाय 2 गुना, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे पाई बाय 2 और माइनस क्या बैठाएंगे? 0। समझ रहे हैं बात को? देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान हो गया पाई बाय 2। क्या मान हो गया? पाई बाय 2। इसको मिटा देते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया? पाई बाय 2। कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो अब पाई बाय 2 कांस्टेंट की तरह बाहर हो गया, dx का इंटीग्रल हो गया x 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। पहले अपर लिमिट बैठाएंगे पाई बाय 2, माइनस क्या बैठाएंगे? 0। अब पाई बाय 2 को पाई बाय 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2 गुणा 2 4, पाई स्क्वायर बटे 4 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। समझ गए बात को? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आप अपने से सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा इसको मिटाइए इस सेल को। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन 19 नंबर का, 19 नंबर का, 19 नंबर का क्वेश्चन में कहता है क्या हमको? डीसी निकालना, किसका? डी ई का पावर ए एक्स बाय डी एक्स, ई का पावर ए एक्स का डीसी निकालना, ठीक है? देखो e का पावर x का dc होता है x के रिस्पेक्ट में, e का पावर x। अगर e का पावर ax का निकालेंगे तो यहाँ तो आपका चेन रूल लगा दीजिए, आप लिखिए d e का पावर ax, अब बाय नीचे लिख दीजिए d ax, अब गुना लिख दीजिए d ax, अब बाय नीचे लिख दीजिए dx। अब e का पावर ax का इंटीग्रल क्या होगा? e का पावर ax, और ax का इंटीग्रल क्या होगा? a। तो बराबर ओवरऑल हो जाएगा a e का पावर ax, ये हो गया आंसर, ठीक है? देख लेते हैं ऑप्शन ए का पावर ए एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन से चिंता नहीं, आप सब क्वेश्चन को आप समझ जाइए, ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन है 20 नंबर का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी डी सी निकालना है, किसका डी सी निकालना है? अंदर में है लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाय एक्स, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाय एक्स, ऐसा दिया हुआ है। अब याद करिए डीसी तो बाद में होगा, पहले कोष्ठ के अंदर की क्रिया होगी। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स, अंदर में देखिएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है? ई का पावर एक्स है, उसमें एक बार वन को घटाओ, वन को घटाया माइनस ई का पावर माइनस एक्स, इसमें वन को जोड़ो, वन को घटाएंगे तो वन को जोड़ना पड़ेगा, बाय ई का पावर बाय हो गया एक्स, ये चलेगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स, अंदर में एक बार हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा ई का पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, ठीक है? ये दोनों में माइनस चिन्ह को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? e का पावर माइनस एक्स माइनस वन बटे एक्स, बोलिए चलेगा? माइनस चिन्ह को कॉमन लिया तो e का पावर माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स हो गया, ऐसा चीज हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ आप लिखिए अगला स्टेटमेंट डी बाय डी एक्स, लिख दिया। अब इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो e का पावर x माइनस वन बाय एक्स, ठीक है? अब ये लिमिट तो दोनों के लिए था, इधर भी लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पे लिखिए बीच में माइनस की जगह प्लस, इधर लिखिए लिमिट x टेंस टू जीरो e का पावर माइनस एक्स माइनस वन बटे माइनस एक्स। अब आप कहोगे माइनस कहाँ चला गया? ये माइनस को यहाँ लेते हैं, ये माइनस को यहाँ लेते हैं, ला सकते हैं, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए, आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th में कंटिन्यूटी पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो e का पावर x माइनस वन बाय x का मान होता है वन,
और लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर माइनस एक्स माइनस वन बाय माइनस एक्स, इसका भी मान होता है 1। क्या मान होता है 1, आप नहीं ध्यान में है ध्यान लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस वन बाय x, इसका वैल्यू होता है 1, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो ये हमको निकालना है dc, d बाय dx, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 प्लस 1 2, हमको 2 का dc निकालना है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc क्या होगा 0 होगा, बोलो कांस्टेंट का dc क्या होगा 0 होगा, आंसर हो गया। ओके चलिए लिख लीजिए आप जल्दी से, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए सी नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है कांस्टेंट का डीसी होगा 0। चलिए आप तेजी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, जल्दी से करिए। बता सकते हैं आप, मिटा रहे हो। क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप समझ गए, हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चन देखा है। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है डीसी करना है, डी किसका डीसी करना है, अंदर में है लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो log x का dc होता है 1 by x, तो यहां तो चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि जिसका dc करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर इसका हम dc करेंगे तो इसका dc क्या होगा, d log of root under x square plus a square, तो log के बाद जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, by d root under x square plus a square। उसका जब हम रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, d रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट के अंदर में जो उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आओ d x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय नीचे क्या होगा, dx, dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय क्या होगा, dx, बोलो चलेगा। एक बार हमने लिखा डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय रूट डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय डी एक्स,
ये जो आपका log x है उसका dc होता है 1 by x, बोलो 1 by x, ठीक है, ये इसका dc हो गया 1 by root under x square plus a square, चलेगा। फिर देखो root का dc क्या होता है, 1 by 2 root, तो उसके लिख दिया 1 by 2 root under x square plus a square, बोलो चलेगा, एक बात लिख दिया। फिर अगर x square का dc लोगे तो वो क्या होगा आपका 2x, और a square का dc क्या होगा 0, लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए आपका 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कटा, ठीक है, रूट के अंदर जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 by 2 root, x square का dc 2x, log x का dc 1 by x, अब ये x ऊपर आ गया और रूट रूट में आके डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन अपने से आप खोल लेंगे, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर में कहता है डी निकालना, डी सी किसका dc निकालना, तो यहाँ पे अंदर में है tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं d बाय dx, देखो टेन इनवर्स यहाँ पे है रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, अब 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये होगा डी बाय डी एक्स, अंदर में आपका टेन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू से एक ठो बाहर होगा टेन एक्स बाय टू, बताओ टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू का मतलब क्या होता है एक्स बाय टू, हमको डीसी निकालना है, किसका डीसी निकालना है एक्स बाय टू का, एक्स बाय टू में 1 बाय टू बाहर हो गया, उधर हो गया डी एक्स बाय डी एक्स, डी एक्स बाय डी एक्स 1, तो ये हो गया आपका 1 बाय टू, ठीक है, एक्स का डीसी 1 होता है, तो सिर्फ 1 बाय टू हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन तो याद नहीं करना है, मेरे क्वेश्चन को देखना है। और देखिए 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर का क्वेश्चन को भी आप जरा गौर से देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन में कहता है dc निकालना है, किसका निकालना है d by dx, किसका dc निकालना है log of 10x का, log of 10x का, देखो log x का dc होता है 1 by x, तो log of 10x है तो कोई बात नहीं है, यहाँ चेन रूल लगा देंगे तो हम क्या बोलेंगे d by d log of, log किसका फंक्शन है 10x का, log अगर 10x का फंक्शन है तो 10x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, d log of 10x by d 10x गुना d 10x by नीचे क्या कहेंगे dx, अब देखो log of 10x का dc कहोगे तो 1 by 10x, 1 by 10x, 10x का dc क्या होगा sec square x, sec square x, 10x का dc क्या होगा sec square x, बोल होगा कि नहीं होगा पक्का, अब देखिए ऊपर है sec square x और नीचे है 10x, तो आंसर तो दूसरा फॉर्म में लिया होगा, चलो देखते हैं 10x, देखिए sec square x को नीचे लाइए तो 1 by cos square x, ठीक है, और 10x का मतलब होता है नीचे sin x ऊपर cos x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई आपत्ति का बात नहीं है, तो अब इसको हम ये cos cos कटा देंगे, ठीक है, हाँ तो cos cos कटा देते हैं, cos cos को कटा दिया है एक बार में कटा, अब 1 by cos x क्या होगा sec x, और 1 by sin x क्या होगा cosec x, sec x गुना cosec x, ये देखो ऑप्शन नंबर डी sec x गुना cosec x, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है ना log 10x में sec x गुना cosec x, खोज लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर हो गया। अब आ जाइए 24 नंबर का सवाल, 24 नंबर का क्वेश्चन में कहता है आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स, डीसी किसका निकालना है एक्स ई का पावर एक्स का, अच्छा एक्स ई का पावर एक्स का डीसी निकालना, यहाँ तो दो फंक्शन एक एक्स है ई का पावर एक्स है,
एक अलजेब्री का, दूसरा एक्सपोनेंशियल, यहाँ तो लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला गया u इंटू वी का, u इंटू वी का क्या होता है, पहला फंक्शन x, दूसरा का dc, e का पावर x का dc क्या होगा, e का पावर x से होगा, फिर दूसरा फंक्शन e का पावर x और x का dc क्या होगा, वन, बोले होगा पहला फंक्शन दूसरा का dc, जो दूसरा फंक्शन पहला का dc, ठीक है, ये हो गया आपका x e का पावर x प्लस ये हो गया इसका dc हो गया x e का पावर x प्लस e का पावर x, कौन सा ऑप्शन है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी अपने से मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुना डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर गुना डी एक्स, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर गुना डी एक्स। अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो स्वाभाविक है सॉल्यूशन के लिए वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब एक जाति वाले को एक तरफ, एक जाति वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ, इसको उठा के इधर लाओ, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको उठा के इधर लाओ, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको याद होगा कि टेन इनवर्स एक्स का डी सी होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स वाई का डी सी होता है 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 by 1 plus y square, ये किसका dc होता है, tan inverse y का, 1 by 1 plus y square का integral क्या होगा, tan inverse of y, 1 by 1 plus x square का integral क्या होगा, tan inverse of x, तो tan inverse y बराबर tan inverse x plus some constant, answer हो गया, यही है option number b, देख लीजिए option number b, आप अपने से search कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल देखो 26 नंबर का, सवाल में है जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, ठीक है, जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, तो साइन का पावर 9x dx, ठीक है, जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, जीरो से माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक साइन का पावर 9x dx, देखो ये 9 ओड है कि इवन है, 9 ओड है कि इवन है, ओड है, ओड है, ये तो आपका ओड फंक्शन होगा, ओड फंक्शन होगा साइन है, तो डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा जीरो, कैसे, प्रॉपर्टी हम बताए थे कि माइनस ए से लेकर ए तक fx dx, माइनस ए से लेकर ए तक fx dx, इसका मान होगा ट्वाइस और जीरो से लेकर ए तक fx dx होगा, कब, जबकि एफ एक्स हमारा इवेन फंक्शन है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स, एक बार, और डायरेक्ट इसका मान होगा जीरो का जब हमारा एफ एक्स ओल्ड फंक्शन हो, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस एफ एक्स, ये तो साइन ओल्ड फंक्शन है, पावर नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा जीरो, सेवन भी रहेगा तो भी जीरो, फाइव रहेगा तो भी जीरो, ठीक है, चलिए और तेजी से आप इसको लिख लीजिए प्लीज जल्दी से। विश्वास करते हैं आप लोग स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, मिटाए हम पक्का ले चुके हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक, थैंक यू वेरी मच।
अब आइए, 26 तक हम लोगों ने भी देखा है, और उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर का क्वेश्चन में है, इंटीग्रेट करने के लिए कहता है cos 1/2 x dx। बस आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता है कि इंटीग्रेशन आता है कि देखो साइन का डीसी होता है cos, तो cos का इंटीग्रल क्या होता है साइन, तो cos का इंटीग्रल क्या होगा साइन, है ना। यहां देखिए x बाय टू, तो x बाय टू लिख दीजिए आप, cos x बाय टू का इंटीग्रल हो गया sin x बाय टू, फिर x का जो कोफिशियंट है 1/2 से आप डिवाइड करिएगा, तो 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, ये दो ऊपर चला गया, ये आपका हो गया 2 sin x बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट, यही हो गया आंसर, समझ गए बात को। ओके, इंटीग्रेशन होगा तो कॉन्स्टेंट x के कोफिशियंट से डिवाइड होगा, डीसी रहता तो गुणा करते हम लोग। ओके, हाँ जी, एक सवाल है 28 नंबर का, इसमें कहता है इंटीग्रेट करने के लिए किसको, एक्स क्यू माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। चलो देखा जाएगा, अब देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखते, एक्स क्यू माइनस वन है, तो माइनस वन को आप वन का क्यू सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, हाँ सर सोच सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वन, वन को हम वन का क्यू बोल सकते हैं, ये आपका जस्ट लाइक हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, बोलो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो चलेगा, बट नीचा हम क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, बोलो चलेगा, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये देखिए ये तो कटेगा टोटल, टोटल कट जाएगा, अब x माइनस वन का सिर्फ इंटीग्रल होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस वन डी एक्स, तो सिर्फ x का पावर क्या है वन, तो इसका इंटीग्रल होगा x स्क्वायर बाय टू, अब वन डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा x प्लस सम कॉन्स्टेंट हो गया, आंसर हो गया, तो ये कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। 28 देखिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर में, 29 नंबर में कहता है, देखिए क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं, इफ ए बराबर एक्स वाई, ठीक है, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट, कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा हमको निकालने के लिए कह रहा। तो पहला बात देखिए, आपके पास सेट ए का एलिमेंट में क्या है एक्स वाई, कितना एलिमेंट हुआ, इसका संख्या क्या हुआ, दो हुआ, वन हुआ, दो हो गया। आपको एक जान नॉलेज हम बता रहे थे इतना सा जानकारी के लिए कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बीओ में ना बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, ठीक है, बराबर होगा नंबर ऑफ फंक्शन बाइनरी, ये बाइनरी का सिंबल होता है ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, तो बराबर होगा बाद वाला का पावर पहला वाला, बाद वाला क्या है एन ए, उसका पावर हो जाएगा एन ए क्रॉस ए, एन ए का पावर एन ए क्रॉस ए, मतलब हो जाएगा एन ए का पावर एन ए गुना एन ए, ये होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपके जानकारी के लिए कर दिया। अगर आपको यहाँ पे सवाल के लिए बनाना है तो सवाल के लिए आपके नॉलेज के लिए बता दिया, ये इतना सारा बात, ठीक है। अब अगर इस सवाल में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए निकालोगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए निकालोगे बराबर क्या बोलेंगे, एन ए का पावर एन ए क्रॉस ए, एन ए का पावर एन ए क्रॉस ए, ठीक है, एन ए का मान है दो, ऊपर एन ए गुना एन ए दो गुना दो, दो का पावर चार, दो का पावर चार मैंने 16, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर होगा 16। अब आप ढूंढ लीजिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 16, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है ना, ठीक है। अब आ जाइए,
कह रहा है सवाल में 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ इफ एफ आर टू आर, तो आर टू आर मैंने रियल नंबर टू रियल नंबर, ये फंक्शन एफ आर टू आर एक फंक्शन है, देन तब जाके एफ इनवर्स उसका बिलोंग आर टू आर, ठीक है, विल विल एग्जिस्ट इफ, देखो कहता है एफ आर टू आर एक फंक्शन है, एफ आर इनवर्स आर टू आर विल एग्जिस्ट इफ एफ इज, इफ फंक्शन एफ इज, चार ऑप्शन है, वन वन, दूसरा ऑन टू, तीसरा वन वन ऑन टू, चौथा मेरी वन ऑन टू। देखो अगर कोई एफ आर टू आर एक फंक्शन है उसका उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, और आप डायरेक्ट याद रखिएगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज वन वन ऑन टू, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? वन वन ऑन टू का। देखो इस ग्राफ को, जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये ए है और ये बी है, फंक्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा इसका हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये आपका इमेज बन गया, इसका इमेज बन गया इधर वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये कैसा फंक्शन है? ये वन वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू है, ये अगर एक फंक्शन होगा एफ ए टू ए बी, इसका इधर से लाओगे तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स बी टू ए, इसका इनवर्स आराम से एग्जिस्ट करेगा, जैसे एक्स वन का इमेज वाई वन तो वाई वन का एक्स वन वाई टू का एक्स टू वाई थ्री का एक्स थ्री, ये कैसा फंक्शन है? वन वन ऑन टू है। लेकिन मान लो अगर ये फंक्शन में यहाँ पे ऐसा हम दे दें एक और दे दें, है ना, वन वन इन टू बना के ऐसा दे देंगे तो इधर से तो फंक्शन होगा ए टू बी, लेकिन बी टू ए फंक्शन नहीं होगा, समझ गए बात को, इसलिए कैसा फंक्शन होगा? वन वन ऑन टू। आप याद रखिएगा इस लाइन को, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज वन वन ऑन टू, यानी बायजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू रहेगा तब ये उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओके, जल्दी लिखिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 31 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन में है इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर क्या है एफ एक्स टू, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू सेट ए, तो कहते हैं देन एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू इंप्लाइज दैट एक्स वन बराबर है एक्स टू दिया हुआ, कहता है देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ ए टू बी, आपको हम बताए थे जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होने पर एक्स वन बराबर एक्स टू होगा वो कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन, मुझे कैसा फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन, एफ एक्स वन मतलब इमेज सेम होगा तो ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, इमेज अलग अलग होगा तो ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होगा, उसका नाम होता है वन वन फंक्शन, क्या नाम होता है, वन वन फंक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अब 32 देखिए, 32 में है
कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, तो कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब आइए 33, इस सवाल में दिया हुआ है 33 में इनवर्स का सवाल, सभी इजी इजी है। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसका हमको मान निकालना, चार ऑप्शन दिया हुआ, पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, पाई और पाई बाय फोर। देखो साइन इनवर्स एक्स को आप रहने दो वैसे, और आपको याद होगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है जीरो से पाई तक, अगर कॉस नेगेटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन नेगेटिव होगा तो वो चौथा क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसका मान होगा पाई बाय टू, और पाई बाय टू में पाई को घटा दोगे तो बचेगा माइनस पाई बाय टू, और माइनस पाई बाय टू ऑप्शन में ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, समझ गए बात को। 53, अब देखो 34 नंबर का एक सवाल, 34 नंबर का सवाल में कहता है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स बटे वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई बटे एक्स, इसका हमको मान निकालना है, समझ गए बात को, एक्स वाई है रियल नंबर। देखिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ एक्स बटे वाई और वाई बटे एक्स दोनों को गुना किया तो इसका मान वन हुआ, तो कॉन्सेप्ट होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाय टू होगा जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, वन, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो। कॉन्सेप्ट हम बताए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से कम हो, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाय टू जब एक्स वाई का प्रोडक्ट वन के बराबर हो, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर माइनस पाई बाय टू जब एक्स वाई का प्रोडक्ट वन हो और एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई का प्रोडक्ट वन से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आंसर हो गया। अब एक सवाल है 35, बढ़िया सवाल है, सवाल में है कि टेन इनवर्स वन बाय टू अब प्लस है टेन इनवर्स वन बाय थ्री, आप बताओ कि वन बाय टू को वन बाय थ्री से गुना करेंगे तो एक बट्टे छ होगा, वन से कम होगा, वन से कम भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ टी प्लस टू, ऊपर में देखो एलसीएम द्वितीय छ, इसका भी एलसीएम द्वितीय छ, ये क्या हो गया द्वितीय छ माइनस एक, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स तीन दो पांच, अब बटे छ में छ चला गया तो पांच, टेन इनवर्स पांच बटे पांच कट के हो गया टेन इनवर्स वन, आपको बता दें टेन इनवर्स वन का मान होता है पाई बाय फोर, ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए जल्दी से, आप लिखिए। इसको इससे गुना कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स बराबर माइनस टेन, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन बराबर जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टेन बराबर जीरो, बोलो चलेगा, इधर हम एक्स को कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू, इधर हम माइनस पांच को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू बराबर हो गया जीरो, एक्स को कॉमन लिया एक्स माइनस टू, माइनस पांच को कॉमन लिया एक्स माइनस टू, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस टू गुना एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, इससे x का दो मान आ गया, दो भी आ गया x का मान, पांच भी मान आ गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया दो और पांच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसका तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया, मिटा दे इसको। मान के चलते इसको आप लिख चुके हैं पूरा। 36 के बाद में एक क्वेश्चन देखिए, 37। 37 में कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैव बीन टू कॉलम्स आइडेंटिकल इज। देखो, हम जब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसका मान होगा जीरो। हमने पढ़ा था यदि किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होगा तो भी डिटरमिनेंट का मान होगा जीरो। हम लोगों ने पढ़ा था अगर किसी डिटरमिनेंट में उसका दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल होगा तो उसका मान जीरो। यहाँ पे क्या है कि डिटरमिनेंट का दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। बोलिए उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हो गया। अब एक सवाल है 38 नंबर का। इस सवाल में कहता है इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किसमें है, ए पी में है, देन तब जाके हमको मान किसका निकालना, मान निकालना है डिटरमिनेंट का। कौन सा डिटरमिनेंट है, देखिए 2x+1, 2x+2 ठीक है और 2x+3। यहाँ लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है 2x+2, 2x+3, 2x+4 इधर लिखा हुआ 2x+a, 2x+b इधर है 2x+c बराबर, चार ऑप्शन है। ठीक है, हमको मान निकालना है, चार ऑप्शन दिया हो, चलो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला बात, ए बी सी किसमें है, ए पी में। ए बी सी किसमें है, ए पी में। हम यहां लिखेंगे लेट ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किसमें है, ए पी में है। इसका मतलब हो गया बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, बी को उठा के इधर लाया, टू बी बराबर होगा सी प्लस ए, टू बी बराबर क्या होगा सी प्लस ए। बोलो दिख रहा है, ओके okay, अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो उतना लिखने का जरूरत नहीं, इसी में कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, ये देखिए, ये इसका नाम होता है आर वन, बोलो क्या नाम है, आर वन, और इसका नाम क्या है, आर थ्री। समझ रहे हो बात को, आर वन में आर थ्री को जोड़ के उसमें आप टू आर टू को घटा दो, घटा देना है। आर वन में आर थ्री को जोड़ के उसमें टू आर टू को घटा देना है। देखो दूना चार एक्स, तीने चार क्या होगा, देखो दो दूना चार एक्स और प्लस तीने चार, इसमें से आर टू को दो से गुना करके घटाना। ऑपरेशन हम ऐसा कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन हम करेंगे, कैसा ऑपरेशन किए, आर वन टू, आर वन प्लस आर थ्री माइनस टू आर टू, आर वन में आर थ्री को जोड़ के टू आर टू को घटा दो। तो ऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक रो एक कॉलम जीरो लाते, इसमें इसको जोड़ो दो दुना चार एक्स प्लस चार, इसमें दूसरे गुना कर दो, दूसरे गुना कर दो, दो दुना चार एक्स है माइनस हो गया चार, फिर ये दोनों को जोड़ो दो दुना चार एक्स प्लस चार दो छ, इसमें नीचे वाले को घटाओ दो दुना चार एक्स प्लस तीन दुना छ, बोले होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस छ हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ो दो दुना चार एक्स ठीक है प्लस चार एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है इसको मिटा देते हैं तो लिख लिया चार एक्स प्लस ए प्लस सी, और उसमें इसको घटाएंगे दो दूना चार एक्स माइनस चार एक्स माइनस टू बी, ओके इतना लिख दिया आराम से। पहला रो हो गया,
दूसरा रो, तीसरा रो जस का तस होगा, दूसरा रो में क्या होगा, देखो 2x + 2, 2x + 3 जस का तस, 2x + b, और तीसरा रो भी जस का तस, 2x + 3, 2x + 4 और 2x + c लिख लिया। अब बताओ ये आपका कट गया, कट गया, कट के हो गया जीरो, ये भी कट के क्या हो गया जीरो, ये देखो कट गया। ए प्लस सी में अगर 2b को घटाओगे इसका मान होगा जीरो, क्या मान होगा जीरो, क्यों, क्योंकि 2b बराबर है c प्लस है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। डिटरमिनेंट का पहला रो में देखो सारा एलिमेंट क्या हो गया जीरो हो गया, और ये जस का तस उतार देंगे, जस का तस क्या करेंगे उतार देंगे, तो डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया जीरो, तो ऑब्जेक्टिव है, लिखने का जरूरत नहीं है, इसका मान हो जाएगा जीरो, क्योंकि अगर किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होगा तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा जीरो होगा। क्लियर हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए जिसका मान है aij m/n, कहता इतना इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा, इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम आपको बता दें, अगर ए बराबर ए डैस होगा तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलो कौन सा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक, और ए बराबर अगर माइनस ए डैस होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और इसी को अगर एलिमेंट के फॉर्म में लिखोगे, अगर ए आई जे बराबर ए जी आई हो, फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नेचर, ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। ए ए आई जे ध्यान दीजिएगा, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो, फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कैसा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलो कैसा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे बराबर ए जे आई, इसका ऑप्शन होगा ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मान के चलते हैं आप यहाँ तक क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे, अगला क्लास में रेस सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, आप खूब मेहनत से पढ़ें, खूब लगन से पढ़ें, खूब स्वाध्याय करें, बेहतरीन परिणाम आएगा आपका, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला सब पर ध्यान दीजिएगा, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को खूब पढ़िएगा, ठीक है, परीक्षा बहुत सुंदर जाएगी।